हेलो दादी, तू? हाँ दादा, ना ना। कैसे हो? हा? क्या नाम है आपका? एक मिनट में रुको, मैं इधर आ जाता हूँ। हैं? क्यों नहीं आया? हमें आया आनंद थी। आप कहाँ से हो? आनंद थी, पैसा नहीं सब करवाने वाला, पैसा नहीं सब करवाना। जाओ कहो छो, जाओ कहीं छो। कितना पैसा बाकी सापड़ा? अरे हिसाब कर दो, क्या दो आपिस? तो हमारा 500 रुपया लेवा निकले तुम्हारे पास से। हैं? क्या नाम है आपका? तुम जाओ ना। नाम सु तुम्हारी तो नाम लखी है खान मंजल मिल जाओ। सु नाम छे? हम जो मारी सामे जो बहन तुमने मळवा आयो स्पेशल बहन, बैठो नीचे तुम। तर क्या नाम है बहन आप? लीका। आप कितने टाइम से जानते हो बहन को? अभी एक डेढ़ महीने से। डेढ़ महीने से यहाँ से जाते आते तो देखती हूँ मैं, कुछ खाना वाना दे के जाती हूँ मैं फिर। अच्छा, तो ये कौन सा इलाका है अभी, कहाँ पे हम? अभी सिविल रोड बोलते हैं, सिविल की नहर बोलते हैं, नडियाद के साइड में ही पड़ता है। अच्छा अच्छा, आपके दादी आपके परिवार में कौन कौन है? तुम जाओ क्या बस मैं आऊँ तो है तुम कौन तो आऊँ जाओ क्या आऊँ सो तुम्हें तुम ना करो आनंद तो आनंद आऊँ जाओ। चलो हूँ तो ले तो जो बहन तुमने स्पेशल ले आया भैया बहन आज तुम्हारे मेरे स्पेशल टाइम करे ले तुम पैसा ले तो नहीं सब करे हां तो पैसा ही आप इसु ने लिए जैसे सब अपन पैसा तुम ले लो पैसा। हां जाओ ना कहे नहीं हम नहीं जाऊं मैं पैसा मां खाया। कौन कौन से तुम्हारा परिवार में? तो बता बहु आश्रम में मिले पैसा ले आया है। आश्रम में मिली जाइस? हां ना तुम से मां छोकरा को ले मुझे। अच्छा एवं जे का आ माथा नी हालत तो जो बहन आ सु कहवाय दोस्तों अभी हमें नडियाद में और यहाँ पे रोड पे एक दादी माँ काफी टाइम से यहाँ पे रह रहे और बहन ने बताया काफी दिन से हमें व्हाट्सएप में मैसेज में क्या मैं आनंद थी तो पर आनंद पैसा मोकला मैं बात कर लो छो ने बहुत ही बुरी हालात है अभी काफी टाइम से दादी ना आया नहीं रोड पे बारिश हो धूप हो ठंड हो उसी हालात में यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे आप देखिए इधर आइए थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ बालों की हालात आप देखिए एक बार कि कितनी बुरी हालात के साथ हो रहे रहे देखिए। और पता नहीं कैसी स्थिति में व्यक्ति रहता है आप देखिए कि लोग जो रोड पे रहते हैं शायद उसको दिमागी हालत ऐसी हो गई है कि इस टाइम पे खाना ना मिलने की वजह से टाइम पे रहने के लिए कोई सुविधा ना मिलने की वजह से शायद उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। तो चलिए थोड़ी कोशिश करते हैं दादी माँ की ज़िंदगी बदलने के लिए। इस एपिसोड को पूरा देखिए और दादी का नाम वो बता रहे लक्ष्मी जी उसका नाम है और पूरा नाम तो नहीं बता रहे तो थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। चलिए कितने टाइम से जानते हो बहन इधर आ जाइए। બાર વર્ષ નથી જ્યાં બાર વર્ષ નો વનવાસ છે। ચાલો કઈ વાંધો નહી દાદી चलिए आप मेरे साथ। नहीं आती क्या? क्यों नहीं आती? अरे आपके हालात तो देखिए दादी बहन स्पेशल लेने आई है आपको। नहीं कोई नहीं आई थी यहां पे भरवाई नहीं है। हां ना ना भरवाई जा चलिए आ जाइए। नहीं आती ना चल। ना ना ऐसे नहीं ऐसे ऐसे जिद नहीं करते चलिए चल तार का पैसा लेते नहीं करते हमारे पैसा लेवाना है तुम्हारे पास ना तुम्हारे आऊ पर से चलिए खड़े हो जाइए। चलो उबा दे जाओ चलो जाना है हैं मत चले वरना ना एऊ ना करे चलो तर रुपया लेता मैं મારા રૂપિયા નહીં લીધા તમે ચાલો આવી જાઓ નહીં પૈસા મોકલાવો તમારે આવવું પડશે યાર નહીં ચાલો યહાં પે રોડ પે કોઈ વ્યક્તિ ખાના દે જાતે તભી ખાના ખાતે और खिलाने से या फिर कुछ चीज़ वस्तु देने से उसका कोई निकाल नहीं है बट कोई उससे अच्छी सुविधा मिल जाए तो वही सबसे बड़ी सेवा है। खाने के लिए पैसा तो कोई भी दे सकता है तो वो कोई आपके आसपास भी ऐसे काफ़ी सारे व्यक्ति रह रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ चीज़ देके मतलब ऐसे ही दे के चले मत आइए उसके हालात बदलने के लिए टाइम का भी ज़रूरी होना तो टाइम दीजिए। आज बहन का फ़ोन आने की वजह से आज हम यहाँ तक हम पहुँचे तो चलिए नडियाद में बहन की हालात सुधारते और कंप्लेंट करते चल ના ની ના ની
કેટલા સમજદાર છે તો પછી ચોખ્ખા થઈ જવાનું નહીં ધોઈને પછી બેન કેટલા પ્રેમથી સમજાવે છે સમજવું નથી એક વાતમાં ચાલો બેસો અંદર બસ બસ ચલિએ દોસ્તો આજ હમ નડિયાદ મેં થે ઓર બેન કા ફોન આયા થા ઉસકી વજહ સે યહાં તક પહોંચે થેન્ક યુ સો મચ બેન આજ કિસી કી જિંદગી બદલને કે લિયે આપને ઇતના ટાઈમ દિયા ઓર આપ ભી દોસ્તો એક દૂસરે લોગો કી મદદ કીજે ટાઈમ નિકાલિયે કિંમતી સમય કાઢીને આયા ના ના કો બિલકુલ બિલકુલ ચલિએ ક્યા નામ હૈ ભાઈ આપકા શુભમ શુભમ ભાઈ ઓકે ચલિએ દોસ્તો એપિસોડ કો શેર કીજે ઓર આપકે સભી ગ્રુપ કો અંદર ફેલા દીજે થેન્ક યુ સો મચ જય હિંદ જય ભારત કેસે હો ફોર વેલકમિંગ મી ટુ ફાઉન્ડેશન થેન્ક યુ વેરી મચ અરે થેન્ક યુ આપકો કે આજ આજ આપકા સેવા કરને કા હમે મોકા મિલા એક્સાઇટેડ તંદામ આપ કહાં ગયે થે આપ યુ વેન્ટ ફોર સોનોગ્રાફી સોનોગ્રાફી બતાઈએ જરા હમે ઓકે આપકે જરા ઓ મુજે દિખાઈએ મુજે દિખાઈએ જરા ઓકે क्या डॉक्टर ने क्या कहा है डॉक्टर ने कहा है कि अभी सोनोग्राफी किया इनका सोनोग्राफी के बाद डॉक्टर इनका वापस इलाज करेगा वापस सोनोग्राफी के बाद बरोबर अभी सेकंड थिंग है जो आए डॉक्टर के पास अपना इनका ट्रीटमेंट चालू है वहाँ इनका वापस सोनोग्राफी करके सब ट्रीटमेंट देखेंगे उसके बाद बताएंगे कि क्या करने आएंगे बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों अभी जो हमारे साथ जो भाई है वो है जॉन भाई उसका नाम है और वो केन्या के रहवासी है नैरोबी से और उसको लेफ्ट राइट साइड पैर में बहुत ही बड़ा इंजरीज है क्या आपको कौन सा इन्फेक्शन का थोड़ा प्रॉब्लम है उसकी वजह से बहुत ही उसको जीवन में प्रॉब्लम आ रही थी और पिछले छह महीने से ना आप रोड साइड रह रहे थे छह महीने से वो रोड पे रह रहे थे और आज वो हमारी संस्था जो ज्योति सामाजिक सेवा संस्था और आनंद नगर पालिका द्वारा जो शेल्टर होम चलाया जाता है वहाँ पे वो रह रहे हैं उसकी ट्रीटमेंट की जा रही है और अभी अस्पताल से वो आए हैं तो चलिए कोई बात नहीं तो चलिए अभी देखो मैं एक दादी माँ को लेके आया हूँ यहाँ पे रुकिए आप ठीक है चलिए चलिए साथ में मिलके जॉन भाई के साथ मिलके और दादी माँ की हालात को सुधारते हैं पूरा एपिसोड देखिए और शेयर कीजिए थैंक यू सो मच दादी तुम्हारी दीकरी जे तुम्हारी हालात सुधारी देसे हमना चलो आई जाओ अंदर देखिए जॉन भाई ऐसे हालात पे वो रोड पे रह रहे थे ठीक है अभी नडियाद से हम आए वहाँ पे हमें कॉल था एक और बहुत ही बुरी हालात के साथ हो रहे थे ठीक है वेलकम चलिए आ जाइए दोस्तों आप बालों के हालात देखिए कि व्यक्ति कैसे हालात के साथ हो दादी रह रहे थे इधर देखिए आप ये देखिए दोस्तों आप देखिए कि कितनी बुरी हालात के काफी टाइम से उसके बाल की अच्छी तरह से देखभाल ना रखने की वजह से ऐसी एक इसके बाल है कोना बाल छे हैं पकड़ो तो मधुमक्खी का छत्ता लगता है आवी रीते रहता था तमे जो तो मधुमक्खी नु पोड़ू थई गयो ने उ थई गयो छे मुकी दियो आया हाँ मुकी दियो आया हाँ मुकी दियो त्या दोस्तों आप ये भी देखिए कि काफी टाइम से ऐसी रोड पे रहने की वजह से अच्छा कोई खाने की पीने की कोई सुविधा नहीं थी कोई रहने की कोई सोने के लिए कोई सुविधा नहीं थी तो माँ सर की हालत देखिए आप अभी जो और ज़्यादा हम टाइम लगाते तो मुझे लग रहा है कि मतलब यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता था मेडिकल बहुत बड़ा इश्यू हो सकता था आप देखिए कि शुरुआत तो हो गई थी बट अभी हम टाइम पर पहुँच गए तो अच्छी तरह से उसका हम ख्याल रखेंगे चलिए दोस्तों
दादी माँ के हालात सुधारने में हम कुछ भी कर सकते हैं तो आज एक इंसान की जिंदगी बदलेगी और उसको एक सुकून की नींद आएगी, तो हमारे लिए वही सबसे बड़ी सेवा है। तो चलिए पूरा एपिसोड देखिए और शेयर कीजिए आपके सभी ग्रुप के अंदर। थैंक यू सो मच। समझो तो दोस्तों देखिए आप, अरे हम गंदगी भरी से निकली दादी। कंप्लीट थी गया हाथ बताओ हम जो आवी तो चोखा राखवाना दरोज अने તમારા પરિવારમાં કોણ કોણ હતું દાદી? મારે એ બધા બહુ છે, આસીમાં મૂકેલા ત્યાં છે, ખેતરમાં હોય બહાર નાખો ગયા, આજ જાય કાલ જાય જાય નહીં પેલા અહીં જાય બરોબર। અત્યારે કોને ભેગું રહેતા હતા? કોઈને પેલું નહીં, એની યાદ નહીં, અમારો બંગલો તો નાખતો ને એટલે અત્યારે પછી મારા છોકરી જતી રહે ત્યાં જ રહેવાનું, એટલે બહુ નહીં રહેવાનું બે ત્રણ ગામ જવાનું જાય ને એટલે। પણ હવે છે ને અહીંયા તમારે છે ને કોઈ ઉપાધિ કરવાની નહીં બરોબર, ટાઈમસર ખાઈ લેવાનું, ભગવાનનું નામ લેવાનું અને ટાઈમસર નાહી લેવાનું, ટાઈમસર સૂઈ જવાનું, સમજાણું દાદી? હવે કઈ વાંધો નહીં આવે ને, ટેન્શન નહીં લેતા કઈ। તો દોસ્તો ફાઇનલી દાદીમાં કે હાલત આપને દેખી હતી પહેલે ઓર અભી કે હાલત આપ દેખ સકતે હો, કાફી દિન સે ઉસને નખ નહીં કાટે થે, કાફી દિન સે નાહે નહીં થે, ઉસકી વજહ સે થોડા ટાઈમ લગા, બટ આપ ઉસકે ટાઈમ કા પરિણામ આપકે સામને હી હે કે આજ કોઈ વ્યક્તિ કી જિંદગી બદલને કે લિયે પૈસે કી આવશ્યકતા નહીં હે, સમય કી આવશ્યકતા હે, સમય દીજિયે જિસકે કોઈ ભી વ્યક્તિ કી જિંદગી હમ બદલ સકતે હે। તો હમારા જો વહાં સોશિયલ મીડિયા આશ્રમ બનને જા રહા હે દોસ્તો, તો વહાં પે ભી આપકા સાથ ઓર સપોર્ટ કી જરૂરત હે, તો આપ સપોર્ટ દીજિયે હમે, ક્યુંકિ વહાં પે બહોત બડા કન્સ્ટ્રક્શન હોને વાલા હે, ઓર જૈસે લો દાદી માં જૈસે વ્યક્તિ જો રોડ પે રહેતે હે જિસકે કોઈ પરિવાર વાલે ભી રખને કે લિયે વો રાજી નહીં હે, તો વૈસે લોગ વહાં પે રહે સકેંગે ઓર જલ્દી સે જલ્દી હો જાય વહી હમ શુભકામના કરતે, આપ સભી લોકો કા સપોર્ટ ચાહીએ હમે। તો ફિર સે મિલેંગે દોસ્તો એક નયે એપિસોડ કે સાથ, તબ તક આપ અપના ખ્યાલ રખિયે, જય હિન્દ જય ભારત। ચલિયે દાદી ઠીક હે, ધન્યવાદ। હા બસ।